हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडिक लॉग्स। कैसे हो आप सभी, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दुबई से रिलेटेड सारे वीजा अपडेट्स की, कैसे आपको जॉब मिल सकती है और क्या आपको विजिट वीजा पे जाके जॉब मिल सकती है और कौन सी वीजा अप्लाई आपको करना चाहिए अगर आप दुबई में जॉब पाना चाहते हो और इंडिया से कैसे आपको डायरेक्ट जॉब मिल सकती है। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास इंस्टाग्राम पे आए हुए और साथ में बहुत सारी एजेंसियों से मैंने कंफर्म किया है कि बहुत सारे लोग वहां पे विजिट वीजा पे ऑलरेडी फंसे हुए हैं, तो उनको जॉब कैसे मिलेगी और कैसे सारा ये प्रोसेस होगा। तो आज सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी रिलेटेड टू दुबई की, भाई इंडियंस को कैसे दुबई में प्रॉपरली जॉब मिलेगी। और खाली इंडियंस को नहीं, दुबई में नहीं, कतर, दुबई, कुवैत, ओमान, जितनी भी ये गल्फ कंट्री है और इसके साथ अदर कंट्री, उन सारी कंट्रियों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता रहूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको दिवाली की बहुत ज्यादा हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे और सुख समृद्धि बनी रहे, क्योंकि एक दिवाली बहुत ही बड़ा उपलक्ष्य है। तो आप सब हमेशा खुश रहे, अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करें। क्या पता है वीडियो लेट जाए, तो सॉरी फॉर दैट। आई होप आपने सबने अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कर ली होगी। तो एनीवे, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अपडेट्स मैं लेके आता रहूंगा। वेलकम एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मेरे को इस रिगार्डिंग मैसेज आए हुए हैं कि भाई हम विजिट वीजा पे गए हुए हैं और हमें क्या यहाँ पे जॉब मिल सकती है। तो मैं उनसे सबसे पहले ये पूछता हूँ कि भाई आपकी इंग्लिश कैसी है ये बताओ। चलो मैं आपको जॉब दिलवा भी दूंगा, आपकी इंग्लिश कैसी है ये बताओ। बोला भाई इंग्लिश तो अच्छी नहीं है। चलो ठीक है, इंग्लिश अच्छी नहीं है तो अभी मेरे को ये बताओ आपने काम क्या कर रखा है। बोला भाई मैं तो फ्रेशर हूँ, मेरी एज तो 20 है। तो भाई अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो किस वे पे आप जा रहे हो। चलो मान लिया आपको विजिट वीजा पे जाके ये था कि मैं जॉब ढूंढ लूंगा, तो लेकिन कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना आपके पास कि भाई मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास बीए कर रखी है, मैंने कंप्यूटर्स मेरे को अच्छे से आता है, मैंने यहाँ पे इंडिया में इतने साल काम किया है। एक अपनी वैल्यू एडिट करते तब तो आपको ये होता है कि भाई चलो ठीक है मैं विजिट वीजा पे जाकर जॉब ढूंढ लूंगा। लेकिन वो भी अभी बहुत ज्यादा टफ हो गया है, क्योंकि मेरे काफी ज्यादा दोस्त दुबई में ऑलरेडी मौजूद है, उन सब से मैं जाके आपको प्रैक्टिकली मिलके आऊंगा उनसे और सारी चीजें अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। बहुत जल्दी मैं दुबई जा रहा हूं और सारे दोस्तों को आपको मिलवाऊंगा और कैसे उनकी सक्सेस स्टोरी उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो भाई भी ये सोच रहा है ना कि मैं विजिट वीजा पे चला जाऊं और वहां पे जॉब मिल जाएगी मेरे को, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि विजिट वीजा का मतलब हो गया एक टूरिस्ट वीजा। अगर टूरिस्ट वीजा पे आप जाते हो, अगर काम करते हुए पकड़े जाते हो, तो आपको बहुत ज्यादा जो है फाइन देना पड़ जाएगा और क्या पता आप ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हो इसमें, क्योंकि अभी दुबई बहुत ज्यादा सख्त हो गया इस रूल में। इसका रीजन क्या है कि बहुत ज्यादा इंडियंस पाकिस्तान से, बंगाल से, नेपाल से, यहां से लोग जाते हैं विजिट वीजा पे और वहां जाके जॉब सर्च करते हैं। और वहां पे जो कंपनीज होती है वो क्या सोचती है कि चलो इसका विजिट वीजा है, उसको वो वर्क परमिट में कन्वर्ट ना करके उनको ये बोलती है कि आप विजिट वीजा में ही काम करते रहो और हमारी कोई गारंटी नहीं है, अगर कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सारे मैं उनके एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो मेरे को सुनने को मिलता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ये जो सारी बातें प्रैक्टिकली है जो मेरे भाई वहां पे मौजूद है उनके भाईचारा में, उनके फ्रेंड सर्कल से, वो सारी बातें बता रहा हूं आपको बिल्कुल 100% ऑथेंटिकली ये सारी बात है। तो आप इस बात को समझो कि जो भाई विजिट वीजा पे जा रहा है ना, तो वो जॉब के पर्पस पे ना जा, क्यों बाद में फंसोगे यार, क्या फायदा। इससे बढ़िया आप डायरेक्ट इंडिया से जा सकते हैं, इंडिया में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहती है ऑल ओवर द इंडिया, जितने सारे इंटरव्यूज होते हैं FNB के, सिक्योरिटी गार्ड के, क्लीनर के, हेल्पर के, सेल्स के, कंप्यूटर जॉब्स के, डॉक्टर्स के, इतने ज्यादा इंटरव्यूज होते हैं, तो आप यहीं से डायरेक्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। एक बात सोच के देखो, आप विजिट वीजा पे जाओगे, ठीक है 18,000 रुपए विजिट वीजा की कॉस्ट होगी, उसके बाद आप वहां पे रहोगे, वहां का रहने का खर्चा हो गया आपका, उसके बाद फ्लाइट का खर्चा हो गया, आपका वीजा खर्चा हो गया, और 30 दिन 90 दिन का आप वीजा लगाओगे, 90 दिन का खर्च ऑलमोस्ट 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में आता है अगर आप अच्छे से जॉब सर्च करने के लिए जाओगे। मेट्रो का खर्चा, खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, इतना खर्चा हो जाता है, तो ऑलमोस्ट 1-2 लाख रुपये बर्बाद कर दोगे। उसके बाद आपको 3 महीने जॉब मिलेगी नहीं, फिर आप ये सोचोगे यार 3 महीने का और मैं एक्सटेंड करवा लेता हूं और फिर जॉब ढूंढता हूं। वो 3 महीने का और एक्सटेंड करोगे आप, क्योंकि अगर आप 3 महीने एक बार चले गए ना, आप वापस आने में कतरा हो गए, क्या सोचोगे भाई मेरा तो फलाना फैमिली का मेंबर ये बोलेगा कि भाई तू तो जॉब के लिए गया था, क्या हुआ, बात नहीं बनी, ये वो, और अच्छे तरीके से वो फंस जाता है। और दूसरी चीज क्या हो रही है, एक स्कैम जो चल रहा है उसके बारे में बताता हूं। अभी रिसेंटली मेरे ही गांव का एक भाई है, उससे भी आपको मिलवा दूं, अगर आप बोलोगे तो मैं उससे भी आपको मिलवा के उससे सारी बात बता दूं। उसको ये बोला गया कि आपसे शुरुआत में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, कुछ नहीं होगा, दुबई में बिजनेस वे में उनका ऑफिस है, बिजनेस वे में सारे फ्रॉड ही होते हैं लगभग, और भी काफी सारी बातें करनी है रिलेटेड टू मेरे यूरोप के वर्क परमिट के लिए भी बहुत सारी बातें करनी है।
तो लेकिन उस टॉपिक पे हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, उस चीज के बारे में बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो के बारे में डीपली बताता हूँ उस भाई के साथ फ्रॉड कैसे हुआ। उसने उस दुबई के ऑफिस में कॉन्टैक्ट किया, शुरुआत में उसको बोला गया कि आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उसके पास वीजा भी भेज दिया। वो वीजा जब लेके आया, मैंने टेस्ट चेक करके देखा तो उसका वो वीजा भी फेक था। मैंने उसको बता दिया, भाई ये तेरा वीजा फेक है, तूने कुछ पैसे तो नहीं दिए। बोला भाई मैं 25,000 ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। वो ये बोल रहे कि 25,000 और पे कर दो, आपका ये वीजा एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद आप दुबई आ जाना, दुबई की जो फ्लाइट टिकट होगी वो भी आप खुद करके आना, यहाँ आके आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद, कुछ दिनों के बाद उसको पता चल गया कि भाई उसके साथ टोटली फ्रॉड हो गया, 25,000 रुपए उसके टोटली वेस्ट हो गए, साथ में उसका टाइम भी वेस्ट हो गया। अभी उस भाई ने मालदीव्स की फाइल लगाई और मालदीव्स चला गया। D2F कंसल्टेंसी जो कि सार में है, बहुत अच्छा काम कर रही है। जब से मैं हूँ काम देख रहा हूँ, बहुत सारे भाइयों को इन्होंने अपने ड्रीम पूरा करने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल करी है। और आज भी मैं इन्हीं के ऑफिस में बैठा हूँ, दिवाली की पार्टी करके अभी हमने फिनिश किया है, तो मैं सोचा एक वीडियो भी बना देता हूँ मैं। तो अभी बात एक्चुअली क्या है कि बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है। अगर आप विजिट वीजा पे जा रहे हो तो जॉब नहीं मिलेगी, फाइन भी लग सकता है, ब्लैकलिस्ट भी हो सकते हो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ गया जॉब सीकर वीजा। जॉब सीकर वीजा पे आप जाओगे तो जॉब सीकर का वीजा आपका तब लगेगा जब आपके पास बैचलर की कोई डिग्री होगी, कोई वैलिड डिग्री होगी, कोई बड़ी डिग्री होगी। अभी तक फिलहाल इसका ओपनली सब कुछ नहीं हुआ क्योंकि बहुत ही कम लोग जॉब सीकर वीजा पे जा रहे हैं। अभी भी लोग विजिट वीजा पे जाके जॉब सर्च कर रहे हैं। तो जॉब सीकर वीजा के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है, वो एक अटेस्टेड होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वन शुड बी अटेस्टेड फ्रॉम UAE एम्बेसी, तो उसका भी खर्च हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा खर्च करने के बाद भी अगर आपको नाकामी हासिल मिली, क्योंकि आप विजिट वीजा भी इसलिए जा रहे हो क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि मेरा कम खर्चा में काम चल जाएगा, तो ये बहुत गलत सोच रहे हो। अभी काफी ज्यादा लोग हैं जो यहाँ से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में गए, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में जाने के बाद उन्होंने अपनी जॉब स्विच करी। वो कोई ट्रक ड्राइविंग के लिए गया हुआ है तो वो ट्रक ड्राइविंग की जॉब कर रहा है। एक भाई सिक्योरिटी गार्ड है जो कि मेरे साथ आप पिछले व्लॉग्स देखोगे उसमें आपको मिलेगा कि कृष्णा ने क्या किया, अभी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है, अभी अमेजोन का बिजनेस कर रहा है, नॉट दुबई में रह के वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उस चीज का काम कर रहा है कि पूरी दुनिया में वो सेलर अकाउंट खोल के बैठा है और आराम से 5,000 से लेकर 10,000 दिरहम तो उसके लिए कमाना बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि उसका ई कॉमर्स का पूरा अच्छे से बिजनेस आ गया। कोई भाई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है, उसको कोई बैंकिंग फील्ड में चला गया, मतलब एक ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पता है क्या है, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज है, एक पाथवे ऑप्शन समझ लो आपकी ड्रीम जॉब पाने के लिए दुबई में। क्योंकि आप ऑलरेडी वर्क परमिट में दुबई में जा रहे हो और वहां पे जाने के बाद आपको कंपनी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं कोई और जॉब करना चाहता हूँ। आप अपने तरीके से इजिली कोई भी, मतलब मान लो किसी दिन छुट्टी भी होती है, छुट्टी वाले दिन आप किसी दूसरी कंपनी का इंटरव्यू दे के आओ। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डॉक्टरी कर रखी है, या मान लो आपने कोई इंजीनियर है, कोई F&B सर्विसेज में जाना चाहता है, किसी ने होटल मैनेजमेंट कर रखी है, तो एक बार सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में जाओगे आप, वहां जाने के बाद आप अपनी फील्ड के रिगार्डिंग लोगों से मिलोगे और वहां पे वर्क परमिट एक्सचेंज हो जाता है कि भाई मैं इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ, जो कि बहुत सिंपल ऑप्शन है। लेकिन वहीं पे अगर आप विजिट वीजा में फिर भी आपको विजिट वीजा में कोई जॉब मिल भी जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्री से एग्जिट करके आपको इंडिया आना पड़ेगा और इंडिया से वापस जाना पड़ेगा। तब तक कंपनी का मूड पता नहीं क्या हो, क्योंकि कंपनी को तो अर्जेंट चाहिए होते हैं सारे बंदे। अगर कोई भी कंपनी हायरिंग निकालती है तो उनको अर्जेंट बेसिस पे चाहिए होता है। तो बहुत सारे रिस्क है आज के टाइम में UAE में विजिट वीजा पे जाने के लिए, और ये सारे जो भी डाउट्स हैं ना आपके, ये मैं क्लियर भी कर दूंगा, क्योंकि UAE में बहुत ज्यादा महंगाई भी होगी है। तो भाई आप अपने पूरे रिस्क पे जा रहे हो, अगर जा रहे हो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा भाई फंसे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, जो मेरे भाई वहां पे रुके उनके फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, वो भी अभी यही बोल रहे हैं कि भाई हमारा वहीं से कोई जुगाड़ करा दो। लेकिन भाई विदाउट एक्सपीरियंस अगर आप किसी गल्फ कंट्री में जाते हो तो उनका भी पहला ऑप्शन क्या होता है कि आपके पास गल्फ का कोई एक्सपीरियंस है, डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस इन गल्फ, वो तो आपके पास है नहीं क्योंकि आप तो फ्रेशर हो, विजिट वीजा पे जाके जॉब ढूंढने के बारे में सोच रहे थे। तो ऐसी बहुत ज्यादा परेशानियों से झेलने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलेगी, घर पे भी आने के लायक नहीं रहोगे, फिर वही आपको क्या करना पड़ेगा, 1,000-1,200 दिरहम की कोई भी सैलरी की जॉब करनी पड़ेगी, जस्ट आपकी एक रिस्पेक्ट बचाने के लिए कि मैं वापिस नहीं आ सकता हूँ अभी, और वापिस आओगे नहीं। और वहां पे 1,000-1,200 में कोई वेटर का काम करेगा, कोई बर्तन धोने का काम करेगा, जबकि उनकी एबिलिटी इतनी है कि वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, बट ऐसे फंसने की वजह से वो इस तरह से फंस जाते हैं और उनको कोई छोटी जॉब करनी पड़ जाती है। तो मतलब बहुत सारी बातें बताने को, अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है ना तो आप, मैं नीचे नंबर दे दूंगा D2F कंसल्टेंसी का, इनसे कंसल्ट कर सकते हैं और अपने बारे में जो भी जॉब लेना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट करें, इनको बताएं, अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करें। अगर आप दुबई में भी है,
अगर जॉब सीकर वीजा किसी ने भाई ने निकलवा भी रखा है तो भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। D12 कंसल्टेंसी आपकी पूरी हेल्प करेगी, तो आप अपने तरफ से पूरा तैयार होके जाए। अगर उसके लिए आपको अच्छा CV चाहिए होता है, CV बनवाना हो तो हेल्प ले सकते हो आप, और काफी ज्यादा जो भी आपको हेल्प चाहिए ना वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनसे बात करके आप अपनी कंसल्टेंसी ले लिए और अपने बारे में एक ग्रेट फ्यूचर तैयार करने के बारे में सोचिए। जितने भी भाई वहां पे मौजूद है, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, बहुत ही जल्दी मैं दुबई जाऊंगा और दुबई जाने के बाद सभी भाइयों की मैं आपको राय दूंगा जो कि दुबई में मौजूद है, जो भाई सिक्योरिटी गार्ड से जॉब स्विच करके जिन्होंने अच्छे अच्छे काम पकड़ रखे, अपनी ड्रीम फुलफिल कर रहे हैं, कोई ट्रक ड्राइविंग में, कोई ई कॉमर्स में, कोई सेल्स में है, कोई नर्सिंग फील्ड में है, कोई F&B सर्विसेज में, सभी भाइयों से आपको मिलाऊंगा, कोई बाइक राइडर की जॉब में है। बहुत सारी अमेजिंग वीडियो आने वाली है इस चैनल पे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाना है और कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर शेयर करना कि भाई क्या कुछ आपको पॉसिबिलिटी लगती है या क्या कुछ आपके क्वेश्चन है, सारे डाउट आपके मैं क्लियर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लव्ड इट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड वेरी सून जो भी भाई दुबई में है उनसे भी मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं भी जा रहा हूँ इसमें चेक रिपब्लिक की एम्बेसी दिल्ली में जा रहा हूँ मैं, और वहां जाके अपनी अपॉइंटमेंट के लिए पता करके आऊंगा, तो उस वीडियो के लिए भी रेडी रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।